तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। अभी हम चर्चा करेंगे गुजरात फ्लोरोकेमिकल क्यों गिर रहा है। दोस्तों आप जानते हैं इसका ऑल टाइम हाई देखिए 4174 और अभी का प्राइस चल रहा है 2611। मोटा मोटा यहाँ पे दोस्तों 45% का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, और कितना गिर सकता है। तो अभी सबके मन में सवाल है, जो लोग ऊपर का लेवल में परचेस करके होल्ड कर रहे हैं उनको क्या छोड़ देनी चाहिए। आइए कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, वो हम देखेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर हम इनका 5 ईयर्स में जाएंगे तो दोस्तों जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसका एक समय का शेयर प्राइस बहुत ही कम था। इतना कम था 313। ये 2020 का 17 अप्रैल का डाटा है और यहाँ से ये 4000 के पास जा रहा है, 13 गुना रिटर्न। अब अगर इतना ज़्यादा रिटर्न बहुत ही कम समय में 2 साल के अंदर आते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में चले जाते हैं और साथ में यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलता है। क्या फंडामेंटली ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ है? थोड़ा बहुत चेंजेस हमने यहाँ पे देखा है जो आपको अलर्ट हो जानी चाहिए। देखिए दोस्तों सेल्स का जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, ये सितंबर का डाटा वाइज। बट दोस्तों जितने सारे कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया है उन सब का रिजल्ट गंदा आए है। ये जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है, मार्केट लीडर एंड अतुल है, दीपक नाइटेड है, तो इन सब का ग्रोथ में स्लोनेस आ सकता है क्योंकि रिसेशन के वजह से कुछ स्पेशल केमिस्ट्री में भी यहाँ पे दिक्कत हो सकता है ग्रोथ रिलेटेड। इनके लिए मार्केट करेक्ट कर रहा है एंड गुजरात फ्लूरो तो बहुत ज़्यादा चल चुका था, इसके लिए थोड़ा सा टाइम करेक्शन बनना ज़रूरी था। हालांकि दोस्तों इस कंपनी ने हाईएस्ट एवर OPM यहाँ पे 37% दिखाया था। क्या ये सस्टेनेबल है? ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है, अगर एक क्वार्टर में इनका कम हो जाता है लाइक 31% तो मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट करेगा, और ये सोचकर मार्केट ने इनको करेक्ट भी कर दिया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप रखते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कंपनी का लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत ही सस्टेन है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ लाजवाब है, प्रॉफिट भी बहुत बहुत शानदार हुआ है एंड इस साल तो शेयर प्राइस करेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे 2020 से यहाँ पे रिटर्न मिला है। बैलेंस शीट मजबूत है, कंपनी लगातार कैपेक्स कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते हुए। बोरोइंग इस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है जो कंपनी के लिए अच्छे संकेत है। फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है जो साबित करता है कंपनी अगले समय में एक बहुत ही धुआंधार मार्केट पोटेंशियल गेन करने वाले है। कैश फ्लो भी यहाँ पे पॉजिटिव है जो बहुत ही शानदार चीज़ पेश करता है। डेटा डे भी कंट्रोल में है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे जो नेगेटिव चीज़ है, जो प्रोमोटर ग्रुप है उन्होंने यहाँ पे कुछ पोर्शन मार्केट में सेल कर दिया है, उसका कुछ परसेंट यहाँ पे FII ने परचेस किया है, DII परचेस किया है, बट ओवरऑल पब्लिक का यहाँ पे परसेंटेज नहीं बढ़ना चाहिए था जो यहाँ पे हुआ है, जो ये चीज़ सही नहीं है। इससे पहले जिस कंपनी के साथ ऐसे हुआ था वो है दोस्तों एल्काइल एमाइन का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों प्रोमोटर ने माल छोड़ना शुरू किया था और FII परचेस किया था, बट उस समय में इसका जो प्राइस था लगभग 4000 में सेल किया था और ये शेयर प्राइस नीचे ही चलते रहे। तो दोस्तों अभी हम देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में गुजरात फ्लोरोकेम का चार्ट, जहाँ पे हम देख सकते हैं ये कंपनी एक बहुत ही लंबा जर्नी करने के बाद नीचे की दिशा में जा रहा है। हालांकि इसका सपोर्ट क्या है ये बोलना मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में सेंटिमेंट है थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो सकता है ये एक सपोर्ट है, मतलब 2400 के पास यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करे क्योंकि डायरेक्ट तो नीचे जा नहीं सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करने होगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऊपर का लेवल में जो बहुत ज़्यादा जर्नी हो चुका है वो जर्नी ख़त्म होने के बाद एक नीचे का लेवल में कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर मेरा अनुमान आप लेंगे तो ये जो जोन है मुझे यहाँ इनके आसपास भी ये शेयर चल के आ सकता है क्योंकि जो जर्नी कंप्लीट हुआ है उसका अगर हम डे चार्ट नहीं अगर हम वीकली चार्ट में जाते हैं एंड फिबोनाची का हेल्प लेंगे तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची किधर है फिब रिट्रेसमेंट से अगर हम इनको देखते हैं तो अगर इसका 50% कहाँ पे बैठता है दोस्तों तो जो 50% तो अभी चल रहा है 50% मतलब 2000 ये 50% है इधर और ये आ रहा है 2100 के पास, तो यहाँ पे आ सकता है, ये हाईली चांसेस है।
एंड अगर 0.6 तक रिट्रेस करता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था 1700 के पास हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे बहुत अच्छे से कंपनी जो है बहुत बुरी तरीके से गिरते हुए है, क्योंकि इसी कंपनी में अभी ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे कोई ऑपरेटर माल छोड़ रहा है, क्योंकि लंबा जर्नी करने के बाद ऐसे होता है। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा एंड ये जस्ट मेरा व्यू है, आप अपने व्यू कमेंट करके बता सकते हैं इसका गुड सपोर्ट पॉइंट कहाँ पे हो सकता है। ये सारे जगह के आसपास मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस बनाया था फिर उनको सपोर्ट बना के ऊपर गया था, तो ये एक चांस हो सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए एंड मेरे को जस्ट यही कहना था, थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि ये लोअर लो बनाते जा रहा है एंड आपको अभी लॉस लग रहा है और ये लॉस बढ़ सकता है, थोड़ा अलर्ट।